भट साहब जल्दी आओ, भट साहब यार जरूरी काम है, जल्दी आओ। हेलो, अब हमें ट्रीट चाहिए, ट्रीट। जो मुझे पैसे कहां से है? चलो मामा यार देख लो, हो गया काम शुरू इनका। मामा जी आप ये मत पकड़ो, बिल देना सी। मामा जी मजदूर पेशावर आदमी हूँ, फोन आ गया, अर्जेंटली जा रहा हूँ, दस्ती वापस आता हूँ, आप नाश्ता रेडी रखो बस। तेरे जैसे चार पांच मजदूर और हो गए ना, दुनिया सवर जाएगी। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। भाईजान हम एक अहद के तहत चल रहे हैं, बाद में बताता हूँ कि मैं सुबह सुबह जा कहाँ रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है पहले वो बता देता हूँ। अहद ये है कि 11 मार्च से पहले 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि 11 मार्च को हमारे चैनल को बने हुए पूरा एक साल हो जाएगा, रजब फैमिली को बने हुए पूरा एक साल हो जाएगा। तो अगर आप अभी तक अनसब्सक्राइब्ड हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि 11 मार्च तक हम अपना 1 मिलियन कंप्लीट कर सके। ये तो हो गई बात सब्सक्राइब खेलने की। अब आपको बता देता हूँ कि सुबह सुबह आपका भाई कहाँ जा रहा है। 11 बजे अगर जब उठ गया तो फिर तो कोई जरूरी काम ही होगा भाई। जरूरी काम है, बेशक जरूरी काम है। हम जा रहे हैं अपने न्यू घर की टाइल्स सिलेक्ट करने, क्योंकि जो मेरा भाई वहाँ पर काम करवा रहा है हमारी टाइल वर्क का, उन्होंने हमें फोन किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चारों बार ही प्लान बन के कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं इर्द गिर्द होता ही नहीं था, कहीं ना कहीं दूरी होता था, कहीं ना कहीं मसरूफ ही होता था। आज उनका फोन आया कि रजत भाई सारे घर की टाइल उन्होंने तोड़ दी है, जो जो आपने कही थी, अब अगर आपने टाइल ना लेके दी तो आपकी वजह से काम जो है वो डिले होगा। मैंने उनसे कहा भाई मैं अभी आ रहा हूँ, नाश्ता बाद में करूंगा, अभी आपको टाइल्स लेके दूंगा, उसके बाद आगे नाश्ता करूंगा। तो हम जा रहे हैं, टाइल्स लेके देते हैं, ताकि वो अपना काम जो है प्रोसीड कर सके, अपना काम खत्म कर सके। सीलिंग वाले भी लगे हुए हैं, आगे नाश्ता करेंगे और आपको आज के व्लॉग का सीन भी बताएंगे। अच्छा जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं टाइल स्टूडियो। ओए होए 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 होए, कितनी प्यारी टाइल है। अच्छा मुझे ना चीजें ऐसी पसंद आती है कि जैसे मेरा 5 कमाल का घर है, घर मेरा छोटा सा, ये स्टूडियो में लगाई हो ना क्या लेवल टाइल लगे। लेकिन भाईजान औकात में रहो, अभी आपका जो घर है वो इतना बड़ा नहीं है, बड़ी प्यारी प्यारी टाइल्स हैं, लेकिन ये साइजेस बड़े हैं, ठीक है। हमें जो चाहिए वो साइज छोटा है और मैंने लगवानी है वुडन। क्या हाल भाई, ठीक ठाक? ठीक है भाईजान, क्या हाल है, ठीक ठाक? अच्छा जी, ये 3 आर्टिकल्स हमने निकाले हैं, क्या फाइनल किया भाई? फिर ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा, ये वाला दोनों बेडरूम के लिए। मेरे घर में भी सेम यही लगा हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा डार्क है, ये अच्छा रहेगा, लाइफ अच्छी है इसकी, टाइम निकाल जाएगा, बेहतरीन होती है, बेहतरीन है। अच्छा जी, दोनों बेडरूम के लिए ना हम ये वाली फाइनल कर लेते हैं, और स्टूडियो के लिए अभी देखते हैं, स्टूडियो की जैसे ही को फाइनलाइज करते हैं फिर वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है? ये कर लो फाइनल। कितने मीटर बन रही है दोनों बेडरूम्स की? तकरीबन 32 मीटर टोटल, हमें चाहिए 50 मीटर, ठीक है, लेकिन 32 मीटर एक बेडरूम की लगेगी, ठीक है, दूसरे की तकरीबन 20 समथिंग, ठीक है, स्टूडियो की 10। चलो कर लो, ये वाली कर लो फाइनल। अच्छा भाई मैं ना एक स्टूडियो बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, मुझे ये टाइल बहुत पसंद है ये वाली ना, क्योंकि मेरी जो ऊपर सीलिंग है ना, सीलिंग वो इस तरह की है, लेकिन ये साइज बहुत बड़ा, साइज ही बहुत बड़ा है, इसमें कोई छोटा साइज मिल जाएगा? छोटा साइज दिखा तो इस तरह का सेम सेम चीज आए आए मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। ऐसे लगा ये देखिए, हाँ भाई ये चेक करो, ये देखो, अच्छा ये कौन सी चाइना है, क्या है ये, क्या है ये, ये रनीलक ब्रांड है, बहुत आउट क्लास, सुपर टाइल है, अरे पैसे भी सुपर हो रहे हैं, पैसे भी सुपर ने, पैसे भी सुपर ने। अच्छा यार ये आप ना इसका बताओ क्या मीटर है, ये कितना मीटर है? ये 2300 मीटर है सर। 2300 रुपए? हाँ जी, ये ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा ज्यादा शाइनी हो रही है, ठीक है ना, मैट देख ले, थोड़ी मैट, मैट में दिखाएं, कोई मैट, मैट में दिखा दे, क्योंकि हमारी जो सीलिंग है हल्की हल्की सी ब्लैक और हल्की हल्की सी मैट है, मैट, ये प्यारी लग रही है भाई, ये प्यारी लग रही है, लेकिन साइज बड़ा है ना, साइज कटिंग कर लोगे मास्टर जी? हमारे मास्टर साहब भी साथ ही आए हुए, ऐसे ही वेस्टिंग होगी, हो जाएगा, एनी वेस्टिंग ना करना, कि जितनी टाइल लगी उतनी वेस्टिंग भी हो जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं हो जाएगा मेरे भाई, ऐसा कोई सीन नहीं होगा, ये एडजस्ट हो जाएगी, साथ स्केटिंग हो जाएगी,
आप इस पे एक फील आएगी आपको। ये वाली कर दो क्योंकि मेरी सेम जो है ना फीलिंग इसी कलर में, ठीक है, और इसी तरह मैट मैट में करवाई है मैंने, ठीक है। तो ये वाली कर दे, ये कर दे भाई, स्टूडियो का आप फरमाइश बता दो भाई, ठीक है, थैंक यू। आए 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 सवेरे सवेरे लग गया जी, खोलना भाई जी हमें का टीका जी 93,000 सवेरे सवेरे लख रुपये का टीका लगाते ऐसी टाइलें अच्छी लाइया होंगे तो मैंने लख का टीका ना लगता, लेकिन चलो अपनी चीज का ख्याल है। थैंक यू भाई जान, शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। पहले टाइमों में ना हमारे दादा अबू या हमारे पापा कहते थे कि बच्चे जमीन ले लो घर बन जाएगा, अब जमीन लो या ना लो घर बनाना बहुत मुश्किल है। सवेरे सवेरे लख रुपए की टहल ही आ गई है खाली, रोज का लख 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 इन्ने कमांदा नहीं पाया जिन्हें लख लग गए। खैर कोई बात नहीं, पहला पहला घर है, रीजो से बनाएगा आपका भाई, और जब कम्प्लीट हो जाएगा ना आपको टूर करवाएगा। अपनी पसंद की टाइल लिया मैंने दोनों बेडरूम के लिए सेम और स्टूडियो के लिए डिफरेंट, मजेदार सीलिंग से मैच करके पहुंच गया जी घर। जुम्मे का टाइम हो रहा है, जुम्मा पढ़ते हैं फिर आपको आज का व्लॉग जो हमने स्टार्ट करना है, जो हमारा आज का सीन है फिर वो बताते हैं आपको। चलो 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 चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आए 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 आए, क्या बात है, ऐसे कभी चमका के मैंने अपनी गाड़ी नहीं रखी जिस तरह बट साहब ने अपनी बाइक रखी हुई है। किधर आ गया था तू जाना? मामा जी टाइलें लेके सिलेक्ट करके पैसे देके अभी आया हूँ, क्या हो गया? नाश्ता तो करो, नाश्ता बाद में करूंगा, पहले जुम्मा पढ़ लूँ, जुम्मे का टाइम हो रहा है, सवा एक हो रहा है, अब मेरे कपड़े सही करते, मैं शावर लेके आया, ठीक है। शावर वगैरह ले लिया, पैसे 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 पैसे, हरिया भरिया 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 पैसे दो, थैंक यू जी। नाश्ता कर लेता हूँ, चाबी गाड़ी की जल्दी 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 गाड़ी की चाबी हरिया भरिया भरिया। यार ये मेरी गाड़ी यहाँ पर क्यों रखी हुई है? अम्मा जी शो को आपने कहाँ पर रखी हुई है? किचन में रखी हुई है, संभालो इसको। चाबी गाड़ी की, पापा जी गाड़ी चाबी, जाने गाड़ी चाबी दे, हरिया भरिया भरिया गाड़ी चाबी दे, तेरे पास ही होगी यार, चाबी दे दो मैं दौड़ के जावा जुमा पड़न। हरिया भी यार कहाँ पर है पापा चाबी गाड़ी की? यार की है यार, चाबी चाबी चाबी, हरिया भरिया भरिया, 5 मिनट रह गए जुम्मे में, मैं आज कर रहा हूँ, अल्लाह बाय 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 बाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो थैंक यू। चलो अच्छा जी, जुम्मा वगैरह पढ़ लिया, अब दिल तो कर रहा है आपको आज के व्लॉग का सीन बता दूं, लेकिन कलेजा कह रहा है नहीं पहले नाश्ता कर ले, अगर 15-20 मिनट मैंने नाश्ता और ना किया तो शायद मेरी भूख खत्म ही हो जाएगी, जाके नाश्ता कर लेते हैं फिर आपको सारा सीन बताते हैं। नाश्ता दे दो, A few moments later. आए 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 आए, थैंक यू सो मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आया? शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा लिया, चल भाई चल बाहर चल बाहर चल बाहर चल, हरिया 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 हरिया, बाहर चल बाहर चल बाहर चल बाहर चल बाहर चल बाहर चल बाहर चल। अब आपको आज के ब्लॉग का सीन बताते हैं, हरिया 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 हरिया, दरवाजा खोल दरवाजा खोल, जल्दी पार्क में जाना, हरिया हरिया हरिया। हाँ जी भट्ट साहब, अब बताओ आज के व्लॉग का सीन क्या है, जो रात को आप और मैं डिबेट कर रहे थे ना, अब वो प्रोसीड करना हमने, कैसे करना? मैं ये कह रही थी कि पापा से ट्रीट लेते ना, सबसे हमने ये सोचा है कि हमने भट्ट साहब को बाइक ले दी है, ठीक है, बहुत खुश है, सुबह उठ के 6 बजे कपड़ा मार रहे हैं अपने बाइक को, मैं उठा मैं बाहर आऊ, मैं क्या कर दे पे हो, साफ कर रहे हैं, गंदी हुई है ना, मैं यार रातों रात गंदी हो गई है, ठीक है, अब ट्रीट तो क्या टैंकी भराओ पेट्रोल पाओ, मैं यार अच्छा खैर, अब भाई जान हमने बाइक ले दी है, हमें चाहिए ट्रीट, चाहे कोई दोस्त यार हो चाहे कुछ भी हो, ट्रीट हमारा राइट है, ठीक है, ऐसे कि नहीं। अच्छा जब हमने कहना ना जाके कि मैं हैदर अम्मा अवैस और आप ट्रीट दो, वो मेरे को कितों पैसे आए, यार बब्बे मैं कोई कमाना वहाँ, मेरे को पैसे कितों आए, ऐसे मुझे पता उनके नुकरों में पैसे। हाँ जी अच्छा बताओ पापा के पर्स में पैसे कहाँ पर होते हैं? उनके पर्स में जो पेपर है उन पेपरों में कोई एक बोल बना तो चोरों को नहीं मिले थे, जब हमारे घर चोर आए थे चोरों ने पर्स निकाल लिया पापा का, हाँ जी पर्स खोला नहीं मिले पापा का, पर्स उन्होंने 2 से 3 बार खोला उनको पैसे नहीं मिले, जब चोर चले गए हर चीज लूट के कहते हैं वेख पागल दे पुत्रा नु पैसे ही नहीं लगे। अच्छा जी भट्ट साहब के पास पैसे तो होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते लेकिन नॉर्मल होते हैं, ट्रीट लेनी है, भट्ट साहब नहाने गए हैं, आते हैं तो मैं हैदर को पिक करके आता हूँ, हैदर घर ही होगा, यूनिवर्सिटी वो नहीं जा रहा, फिर हम लोग आज ढाका मारेंगे भट्ट साहब पे, भट्ट साहब से बाइक की ट्रीट लेंगे, ठीक है जी। ट्रीट लेनी आसान नहीं है, आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल काम हमें पसंद है भाई जान, हमें आसान काम पसंद ही नहीं है, ट्रीट आज लेके रहनी है, ठीक है ना। पता क्या करना, तेरी माँ ने पट्टी पढ़ाई होनी है, तेरी माँ ने पट्टी पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई, आज रात की रोटी जो भट्ट साहब की तरफ से ही होगी, नहा के निकलते हैं तो इनको मनाते हैं भाई जान। चलो भट्ट साहब
जल्दी आओ भट्ट साहब, यार जरूरी काम है, जल्दी आओ। हेलो। 2000 years later. यार इतना टाइम कौन लगाता वॉशरूम में? पापा जी वॉशरूम में जाना है, गया मैं तेरे बाहर आ गया। 15 मिनट से तो मैं बाहर खड़ा हूँ, तेरे 15 मिनट से बाहर खड़ा हूँ। अच्छा इधर आए, काम है आपसे? इधर आए, गुसल कर रहे थे। हाँ जी। हो गया गुसल? हाँ जी। अब ओके हैं आप? इजी बीजी है, बात सुनने के मूड में है? हाँ जी। हम बात कर ले आपसे? कर ले। यार मम्मा इनकी बाइक आ गई है, कल से इनकी हवा नहीं पकड़ी जा रही है ना, एटीट्यूड आ गया आपकी बाइक आ गई है तो, है ना? यार अच्छा यार बात सिंपल और स्ट्रेट सी है, आपको बाइक लेके दी है ना? हाँ। अच्छी वाली बाइक लेके दी है? हाँ। टॉप ऑफ द लाइन लेके दी है? हाँ। ऐसे ही है। हाँ। अब हमें ट्रीट चाहिए, ट्रीट। ओ, जो मुझे पैसे कहाँ से है? चलो मम्मा यार देख लो, हो गया काम शुरू इनका। मैंने कहा था यही काम शुरू हो गया इनका। मैं, हैदर, मम्मा, अवैस और आप, हमें चाहिए ट्रीट बाइक की, और आज चाहिए। हमें लेनी है, लेनी है और आज ही लेनी है। अवैस अब लेनी है ना? जिन्हें पैसे दे दो अपनी ट्रीट ले लेंगे। हां जी मंजूर है, मंजूर है। तेरी बात सुनो, आपके पास पैसे नहीं है ना, आप सिंपली वॉलेट चेक करवा दो। हाँ। पैसे नहीं निकलेंगे, ट्रीट भी मैं दे दूंगा। खत्म हो गई बात, ठीक है? पापा का ना एक डायलॉग था, जब पापा जॉब करते थे ना, मैंने या गजल ने पैसे मांग रहे ना, गजल कहते थे बब्बे बब्बे मैं केड़ा को दुबई आया हुआ, या मैं तनहा लेके आया हुआ, महीने का आखिर चल रहा है जान। ड्रामबाजी ना करो। अरे बाह फाड़, बाह फाड़, बाह फाड़। मम्मा जी आप ये बात पकड़ो, मैंने आपको कहा है कि अगर आपके पर्स में पैसे ना निकले, ठीक है, तो ट्रीट मैं दे दूंगा, ठीक है? आप हाँ हाँ बताएं ऐसे अल्फाज से कैमरा नहीं, वो ना पैसे चोरने लगा नहीं सी। पापा जी एक मिनट, पापा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात सुनो। इन्होंने सीन लगा लिया कोई, इन्होंने कोई सीन लगा ली जान, सीन लगा लिया ना पापा ने, पापा ने कोई सीन लगा लिया। पापा जी ट्रीट चाहिए, ट्रीट चाहिए, वरना आपको पता मैं आपके पैसे कहीं ना कहीं से निकाल लूंगा। मेरी क्या सुनो? हाँ जी। तुसी मैंने क्या पर्स दे दिया? मैं मुकर गया, मैं मुकर गया, मैं मुकर गया, मैं मुकर गया। मम्मा जी मैं तेरे कैसे जबली, पापा ने पैसे चोरा नहीं लगे, पापा बाथरूम जो होके आया, टीटू पार्टी ला आया। पापा जी ट्रीट दो। हाँ ट्रीट चाहिए यार, सैयद साहब को ट्रीट दो यार, हमें ना दोस्त को तो दो कम से कम। यार वो कहते हैं मैं लेने जा रहा हूँ उसको, मैं लेने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी फिल्म है, मुझे मैसेज करता है हर चीज का, खुद नहीं आगे आता, मैं जा रहा हूँ उसको लेने। अच्छा मैं हैदर को लेके आता हूँ, अगर हैदर वाले मुंह से कहते एक मिनट यार मैसेज, पापा बात तो सुनो यार, छोड़ो छोड़ो, आप कॉल करो, ठीक है, देखते हैं हैदर क्या है। कॉल नहीं, मैं उसे ले आता हूँ, मैं उसको पिक करके लेके आता हूँ। हाँ। अगर वो आपको आपके मुंह पे आके कह दे कि भाई साहब ट्रीट दे दो, फिर दे दोगे? हाँ जी। तुसी फोन करके ना मन फरा दे। अच्छा मैं सैयद बादशाह नूं कहना, सैयद बादशाह मैं तुहानूं ट्रीट देना चाहना वा, ते तुहाडा की प्रोग्राम? अच्छा ठीक है यार, मैं कह रहा हूँ आपके सामने आ जाएगा वो, मैं अभी ले आता हूँ ना, ठीक है ना, अभी ले आता हूँ। अगर वो आके आपके मुंह पे कह दे कि बादशाह ट्रीट दे दो, बाइक बहुत मुबारक हो आपको, ठीक है, फिर दे दो ट्रीट। डन हो गया, मैं लेके आता हूँ, मैं इधर लेके आता हूँ, खत्म हो गई बात, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अभी लेके आता हूँ। ऐसी क्या 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 कहा है ताड़े? आज तक मैं गायब होना है, इन्हें बंद कर दे, कमरे च बंद कर, बाइक की चाबी लुको दे, हैदर लेके आते हैं, हैदर आके इनके मुंह में कहेगा फिर ये ट्रीट देंगे। हाँ जी मैं बंट आए था, हैदर मैं आ गया भाई। अच्छा जी हैदर को मैंने कॉल कर दी है, उसे मैंने कह दिया कि रेडी रहे, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं उसे पिक करूंगा, उसकी हमने एक जगह पे गवाही डलवानी है। ही सेड ओके भाई आ जाओ मैं रेडी हूँ।
आजा 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 हरिया 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 क्या हो गया बैठ बैठ बड़ा अर्जेंट काम आ गया तेरी सोए सोए उठा दिया तीन बज गए भाई अबे टाइम वे साढ़े तीन बंदा एंजॉय ना करे एंजॉय तो काम कौन करेगा नींद ना पूरी भाई कचहरी में तेरी गवाही डलवानी है कौन सी गवाही बड़ी जरूरी गवाही है तेरी गवाही के बगैर काम नहीं होना की वोटर की गवाही तेरी नहीं नहीं दसना चल तो सही अच्छा भाई जी आप मुझे ये बताएं कि हम दोस्तों में से जब कोई भी अचीवमेंट अचीव करता है सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले होती है रोटी हाँ जी रोटी बट साहब के ऊपर भी यही इम्प्लीमेंट होता है बट साहब बट साहब को बाइक नहीं लगी थी अच्छा ठीक है ना तो बट साहब रोटी खिलाएंगे अब तो उसमें मेरा क्या काम है आपका काम यह है कि भट्ट साहब कह रहे हैं सैयद बादशाह कहने के लिए मैं रोटी खुवा दूंगा अदरवाइज कोई रोटी छोटी नहीं आज दौड़ दौड़ तू चलो मेनू बसा दो अंदर यार बसा दो वाली केड़ी गल है यार कहीं तो काम आ गया कर क्या काम आना है तूने बस जाके ये कहना है कि भट्ट साहब ट्रीट देते सिंपल इज दैट तूने कोई दिस एंड दैट नहीं करना सिर्फ एक बात करनी है कि भट्ट साहब ट्रीट देते चलो देखते हैं अब देखते नहीं यार ये अपनी तशरीह कर देता जाके तूने सिर्फ ये कहना भट्ट साहब ट्रीट देते आपकी मेहरबानी बस चलो मैं कह ठीक है ओके ओके मुझे भी देंगे यार हद हो गई है यार तू कैसी पागलानी गल्ला कर रहे हैं तू नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा तो बस ठीक है सारी गल तू सब तो पहले असी बात चो रोटी आज रोटी कट्ठी है ठीक है A few moments later. आजा भाई आजा शाबाश फरहत कर तेरी गवाही पाई है आजा मम्मा पापा आइए मैं आपका गवाह लेके आ गया हूँ जी आजो गवाही आ गई है की हो रहा है की हो रहा ले 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 ठीक है मोटरसाइकिल आ गई ना पाइन हेलो पाइन इधर गवाह आ गया मिलना मुल्ला नहीं रोटी खानी है रोटी खानी मैं गवाह लेके आया हूँ सैयद बादशाह जो कहेंगे मैं कर देगा मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो अभी आप इतनी जल्दी है ना वो छुरी के नीचे ना हो आपने कहा था कि जी हैदर आवेगा हैदर कहेगा मैं खुवा देगा ऐसे ही है अब आप हैदर से अपने मुंह से पूछ लो कि क्या उन्होंने रोटी खानी है ट्रीट लेनी है आपसे या नहीं लेनी अगर आपको वो माफ करते हैं ट्रीट आपकी हम सारे भी माफ करते हैं पूछ लो आप पूछ लो आपने खाना हम लोगों में ना हम लोगों में मैंने जितने मोबाइल लिए हैं मैंने एवरी सिंगल मोबाइल की ट्रीट दी है मैंने अगर गाड़ी ली है मैंने ट्रीट दी है मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ मैंने ट्रीट दी है मेरी पेमेंट आई मैंने ट्रीट दिया इनको बहाना चाहिए होता है ट्रीट का तो ये आपकी गलत फैमिली 100K 500K 700K सबकी ट्रीट दी है आपकी गलत फैमिली है कि ये आपको कहेंगे कि नहीं ट्रीट इन्हें तो रोटी का बना चाहिए था अभी हमारी जो ट्रीट है वो फैमिली मेंबर्स में हो रही है और ये हमारा फैमिली मेंबर ही है ठीक है ना हाँ जी नहीं अभी डन आज का अभी उसकी एक मजलिस है वो मजलिस पे जा रहा है आज रात का खाना अभी 4 बज रहे हैं 8:30-9 बजे का खाना जो है ना वो आपकी तरफ से डन पक्की बात है अब आपने पर्स चेक करवाना या ट्रीट देनी है फिर बता दो पर्स वाला सीन जो हो गया ऐसे मुद्दे हो गए ट्रीट दवाना पर्स चढ़ दो ट्रीट दवाना पर्स चढ़ दो भाई चोरा ने 4 पर्स खोलिया उन्होंने पर्स चो रुपया एक नहीं लगा उन्होंने फड़ाता वापस दो गए जो गए कहते पागल के पुत्रा नु पैसे नजर नहीं आए पुत्र का मोबाइल गया सोना गया पैसे गए कोई टेंशन नहीं मेरा 12,000 बच गया क्या बात है बात तो है बात सही है रात 8 बजे की रोटी पक्की हो गई हम लोग कामयाब हो गए जी अभी हैदर को वापस छोड़ के आते हैं उसके बाद अपने सिर्फ वेट करना है 8 बजने का 8 बजे हैदर भी आ जाएगा हम सब तो रेडी होंगे ही होंगे बट साहब कहीं फरार ना हो जाए बट साहब ठीक है जी डन हो गया आज रात की ट्रीट बट साहब की तरफ से डन क्या 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 मैं भी कह रही हूँ।
चाबी लिखो बो एक दी बाइक की चाबी लिखो डन 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 यार डन आठ बजे खाना आज बैठा भी खत्म हो गई बात खत्म हो गई डन ने 2000 years later. Assalamu alaikum ji. Ki hale? No, aap jo soye ho to roti nahi khani aapne. Khani hai yaar, kyun nahi khani? Kya keh rahe hain? Chalo isi bahane thodi si neend puri hogi mere bacche ki kasam. Haan, 3-4 ghante so ke baba zar ho gaya tha. 3 ghante hoye? 9:15 ho gaya bhai. 3 ghante soya hu main, hai na? 3 ghante soya hu zabardast. Chalo, 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 chalo. Maine 2 ghante soya, meri kamar dard ho. ਕਮਰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਬਰਤਾਬ ਰੋਟੀ 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 ਉਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈਕ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਰਹੇ ਬ੍ਰੋ ਚਲੇ ਚਲੇ ਬਰਤਾਬ ਚਲੋ ਆਓ ਬਾਜੀ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਨ ਜਾਨ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਆਪ ਨਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਚਲੇ ਜੀ ਚਲੇ ਮੰਮਾ ਚਲੇ ਕੱਪੜੇ ਫਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫਰੀ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹਮਾਰਾ ਐਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੀਏ ਭਾਈ ਚਲੀਏ ਔਰ ਸੋਚੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੀ ਅਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਬਜਟ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਕੱਲ ਜੋ ਇਸਨੇ ਖਿਲਾਇਆ ਥਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੀ ਖਿਲਾਇਆ ਥਾ ਇਸਨੇ ਕੱਲ ਕੜਾਈ 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 ਨਹੀਂ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦੁੰਬਾ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਖਾਇਆ ਥਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੜਾਈ ਖਾਈ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੜਾਈ ਖਾਈ ਜੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਬਾਠਾ ਆਪਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਬਤਾਓ ਯਾਰ ਦੁੰਬਾ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਖਾਇਆ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਇਸਕੋ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁੰਬਾ ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾ ਦਿਆ मुझे तो लूज मोशन पहली बार खाया यार ये मम्मी डैडी बांटा इसको पाए भी सबसे पहले मैंने खिलाए थे पाए कैसे खाता है ऐसे इतना इतना और मैं कहा चंड वाला सही था पाए खा अब खा रहे हैं ना अपने मुंह से बताओ पाए तुम्हें सबसे पहले किसने खिलाए थे और कैसे खाए थे तुमने पाए तब कैसे खाए थे बताओ तब कैसे खाए थे अब कैसे खाते हो अब कैसे खाते हो ऐसे खाते हैं अच्छा और दुम्बा 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 तो मैंने खैर खाए थे लेकिन अच्छा ये बट है लेकिन ये जो है ना ये मम्मी डैडी बट ठीक है ना दुम्बा इसको सूट नहीं किया आज जो बट सब खिलाएंगे हम वही खाएंगे चलो जी आजो 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 निकलो 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 चलो भाई चलो 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 आजो 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 बैठो भाई बैठो 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 हाउसफुल गाड़ी ओ बैग है जी पीछे वैस डिग्गी बंद कर दो भाई ए चलो जी चलिए मजा ऐसे ही आता भाई क्या उभरो शुगरों में कोई मजा नहीं आता सारे इकट्ठे जाएंगे हाँ अवैस ओके है ओके है जबरदस्त चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छा भाई पहले पूछ लेते हैं खाना क्या क्या भाई आपने क्या खाना मैं तो यार स्टेक खाना है और माँ आपने पास्ता जहांगीर तूने भाई मैं कोई थाई फूड खाऊंगा अवैस तू भाई मैं कोई स्टेक पास्ता खाऊंगा आए 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 मैं कोई बैगल उठ के आए यार चलो जी आ जाओ अभी मैं आपको दिखाता हूँ देसी फैमिली में तुन्तुना किस तरह होता है ये देखो पहले एक बंदा निकल गया ठीक है अभी वो देखो निकलना शुरू हो गई यहाँ से भाई डिग्गी भी खोल डिग्गी से भी निकाल बंदा ये देखो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ वाह 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 ऐ देखो ऐ देखो हाँ कम्फर्टेबल जबरदस्त हेलो जी एक आ गया बस करो बिस्ती करा रहे हो यार चल बंद कर चलो जी आ जाओ पियो जी पियो स्टार्टर से पियो आने खाने वाले भी अच्छा भाई दो व्हाइट सॉस पास्ता दो जो है वो स्टेक एक रेड सॉस और एक व्हाइट सॉस ठीक है दोनों ही नॉर्मल स्पाइसी उसके बाद दो सैंडविचेज हैं एक सिंपल चिकन सैंडविच और एक ग्रिल चिकन सैंडविच ठीक है जी जी डन 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 व्हाइट सॉस कह दिया मैंने कह दिया साहब होर भी फिर मंगा लेना सी नहीं यार पहली दफा खान लगेगा अब तो आपने ऐसे ही कहना है पैसे जो लग रहे हैं आपके कोई बात नहीं ये बट तेरा आ गया ये हैदर भाई आपका आ गया मामा जी ये एक आपकी स्टेक आ गई और पास्ता आपका आ रहा है ठीक है ये आ गया जी स्टेक मेला ये स्टेक इसकी मेरी है ना हाँ ये स्टेक मेरी है और वो रहा अपना पास्ता एक पास्ता यहाँ दे दें अवैस का और दूसरा पास्ता यहाँ पर रख दें व्हाट्सएप का और अम्मा का ओके भाई ऑल डन जबरदस्त भाई ठीक है माँ जी ओके चलो जी आपकी बेगम ने मंगाई है मैंने नहीं मंगवाई आए 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 क्या बात है भाई पापा को कड़ी चावल नसीब हुए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जा भाई आए 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 ऐथे रख ऐथे रख बेटा तीला ते लाला है खुल जाएगा ऐथे रख ऐ सही खांदा ही ये इसके काम चेक करो सारा सैंडविच खा गया और सारे सैंडविच में से टोमेटो निकाल के ये रख दिए इसने टोमेटो इतने मजे के होते हैं खाया कर खाता, उल्टी आती। कोई हाल नहीं
साहब बाबा जी है, बट साहब के पल्ले से रोटी खाने का मजा ही अलग है। खाते कभी कभी है ना, स्वाद ही आ गया। क्यों हैदर साहब, कैसे मजा आ रहा ना? अल्लाह ताला ऐसे खिलाता ही रहेगा। हाँ जी, आपके पल्ले से ऐसे ही है ना। यार आप लोग फिनिश करो, मैं वॉशरूम से उठ गया, ठीक है, दो मिनट में आया। अच्छा जी, जवान बेटा वो भी रजत भट्ट जैसा हो और बाप बिल दे, समझ में नहीं आती। वॉशरूम मैंने कोई नहीं जाना, मैं अपने भाई के पास आया। क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये पकड़े कार्ड, ये कार्ड पकड़े, कोड आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आप जो बिल है वो चार्ज कर लें। भट्ट साहब के पास आपने बिल लेके आना ना, तो आपने पता क्या कहना है? आपने कहना है भट्ट साहब आपकी बाइक की ट्रीट हमारी तरफ से है, हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से है, आपने बिल नहीं देना, ठीक है? डन हो गया सर, थैंक यू भाई। अच्छा जी, ये बिल वाला सीन करके हम निकल रहे थे, तुम्हारे बहुत ही प्यारे प्यारे भाई, चंगे पड़े, हाइटेड माशाल्लाह। अच्छा ये सारों को आने लगी है? नहीं, दो तीन को ही लगी हुई है। बहुत प्यारे आप भाई की डिमांड थी कि हमें भी व्लॉग में ले। अस्सलाम वालेकुम सर, आप पहले, सर आप पहले ताबेदार। अच्छा सब्सक्राइब किस किसने किया बोले, सही जसना, झूठ नहीं बोलना है ना, इसने पहचाना हूँ सारे। मैं व्लॉग चला लेना, सारे सब्सक्राइब करो, सारे सब्सक्राइब करो, नहीं तो मैं मुंह इमोजी ला देनी, सब्सक्राइब ना किया इमोजी ला देनी। थैंक यू मच, लव। व्हाट्सएप कहाँ चले गए हैं, भाग गए हैं, बिल की बारी आई है तो वॉशरूम में। चलो जी, बिल दी बारी आ गई, बिल दियो। ये फरहान भाई क्या कितना बिल हुआ? व्हाट्सएप बिल हो गया हमारी तरफ से, आए मेरी तरफ से इनको दावत थी। कोई मसला नहीं। किस चीज की दावत है बताओ, किस चीज की? मोटरसाइकिल देना सी। यार ये क्या बात हुई, आपकी तो फैन फॉलोइंग चल गई है, ये तो बिल नहीं ले रहे पापा जी, आपका सर गया भाई। डिजर्ट तो ठीक है, बिल तो लें यार, बिल तो लें। अच्छा जी, आए मौजा, ओ बहुत चक्कर मौजा चक्कर। आए आए आए, कांग्रेचुलेशंस, किस चीज की भाई है? भट्ट साहब आपकी बाइक की खुशी में कांग्रेचुलेशंस आया, लेकिन आपने खाना नहीं है, मीठा है वो, थोड़ा सा टेस्ट कराया। अच्छा चलो, हल्का सा टेस्ट कर लो यार, हल्का सा टेस्ट कर लो, थोड़ा सा भट्ट साहब शुगर का ख्याल करते हो आपकी मेहरबानी, कांग्रेचुलेशंस भट्ट साहब ऑन न्यू बाइक। अब बस एहतियाती तदाबीर यूज करके आपने बाइक चलानी है, बस इतना ही मीठा खाना है। लो यार, बिस्मिल्ला करो आदर साहब। चलो तुझे पहले स्टीक पालो, पालो 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 पालो, चलो ही बैठो 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 वैसा बैठो बैठो बैठो। अच्छा जी भट्ट साहब, जब व्लॉग देखेंगे तब तो उनको पता लग ही जाएगा कि मेरे पुत्र ने पैसे दिए, लेकिन वक्त की खुशी उनको बड़ी हुई है कि मेरी फैन फॉलोइंग है भाई, मेरी फैन फॉलोइंग है, तो मेरे को पैसे नहीं देते बच्चे ने। और फरहान भाई ने कहा भी था कि भट्ट साहब ट्रीट हमारी तरफ से, मैं कहा नहीं, जब आप अपना रेस्टोरेंट बनाएंगे इंशाल्लाह तब आपका भाई आएगा और आपसे पर्सनली ट्रीट लेगा। फिलहाल वक्त की खुशी हमने अपने बाप को दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब निकलते हैं घर को भाई, जिम जाना। अच्छा भाई जो भी कहो, भट्ट साहब की फैन फॉलोइंग है हाँ। भाई बिल ही नहीं लिया, कहता भट्ट साहब हमारी तरफ से ट्रीट आपको। भट्ट साहब क्या बात है, भट्ट साहब की बहुत है, हमारा ओके बहुत मशहूर। आए आए आए, क्या बात है भाई, क्या बात है, आज तो पापा की फैन फॉलोइंग ने हमें भी खाना खिला दिया है भाई, मजा आया। लो भाई हो गई ट्रीट डन बाबा की। आप लोगों ने कमेंट्स तो नहीं किए थे, लेकिन हमारा हक है भाई, ट्रीट हमने लेनी लेनी थी, बाइक हमने ले दी, ट्रीट हमने लेनी थी। भट्ट साहब थैंक यू, सारे थैंक यू को यार, थैंक यू भट्ट साहब, लव यू लव यू लव यू। व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, उम्मीद है आपको ट्रीट पसंद आई होगी और बाइक तो आपको पसंद आई ही है जितने आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, थैंक यू सो मच, लव यू आप सबको दिल से। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।